मॉर्निंग गाइज, और आज हम फिर से पहुंच चुके हैं मेन इवेंट पे आज तक के, और आपका हमेशा से स्वागत अपने चैनल पर। यहाँ पे हो रहा गाइज QR कोड स्कैन। जब आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा तब आपके पास WhatsApp पे आज तक की तरफ से QR कोड आया होगा, तो वो QR कोड यहाँ पे स्कैन हो रहा है। यहाँ पे मैम स्कैन करती हूँ इससे, देख सकते हैं आप। फिर ऐसे स्टैंप लग जाता है यहाँ पे हाथ पे, ऐसे तो हम भी करेंगे। तो गाइज हमारे भी लग गया है स्टैंप, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा। अब हम अंदर जा रहे हैं एंट्री लेने। मैम अगेन, ठीक है मैम ने देख लिया है, और मैम आज भी घुसती है बहुत ज़्यादा। अब अंदर आ गए हम। गाइज मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का होगा, और इस भीड़ भड़क्के में मिलना बहुत मुश्किल होगा, और जो मिल जाए वो लक्की होगा। कैसी लगी शायरी कमेंट में बताना जरूर। गाइज तुम्हें यहाँ पे दिख रहे होंगे मनीष पॉल जैसे लग रहे हैं। हेलो बैठ रहे हैं भैया। गाइज अफसाना खान आ गई है, देखो गार्ड के बीच में बिल्कुल घुस गई है, बॉडी गार्ड और घेर रखा है। माशाल्लाह से कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। तो आपके सवाल का एक डेमोग्राफी का थोड़ा सा अंदाज हो जाए तो बेटर रहता। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई अपना एजुकेशन का कोई मतलब इतना रहा नहीं, नॉलेज का मतलब इतना रहा नहीं कि जैसे उतने मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक सबको मोबाइल पे कैलकुलेटर पे आपको जगह याद करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ एक्सेस मिल रहा है। अब जो एजुकेशन आगे होनी चाहिए वो बेहतर इंसान बनने की होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही ना, 21 साल का लड़का भी अंकल हो सकता है।
और 55 साल का मौजा आदमी भी लौटा हो सकता है। तो वो तो रही उम्र की बात। दूसरा जिन्हें पढ़ते हैं आप, हमारा क्योंकि बचपना इंदौर में गुजरा है तो राहत साहब का बड़ा हम पे इम्पैक्ट रहा, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। एक दो बार जिंदगी में उनसे मिलना भी हुआ और बड़े प्यार से उन्होंने मुलाकात करी हमसे, तो वो एक बड़ा हम पे इम्पैक्ट। कोई शेर भी उनका सुनाते जी। तो अब जैसे छोटी सी बात है, मैं यही सब लोग को बोलता हूँ कि राजू भाई ने हंसी के लिए बहुत कुछ काम किया। चित्रा जी मैं आपको एक नई कहानी बताता हूँ, हंसते हंसाने की तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे मेरा अंदाज आपने पसंद किया। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, कविता की दो लाइन लिखी है मगर जब लौटा तो बच्चों ने तीसरी लाइन लिखे, अब उसका मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। राष्ट्रमंत्री के बंगले का एक कुत्ता राजनैतिक माहौल से ऊब गया और जाके गंदे नाले में डूब गया। अब साथी कुत्तों ने बाहर निकाला, उससे कारण पूछा तो उसने बताया, अब हम और जुल्म नहीं सह सकते और एक बंगले में दो दो एक साथ नहीं रह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी और है, टाइम कम है ये। तो अगर सब लोग बात सुन लें बढ़िया तो ठीक है, वरना फिर क्या ही बोले। तो शुरू मालवीय नगर से किया मैंने और अभी भी वही हूँ मैं, वही आसपास ही हूँ, मालवीय नगर के आसपास ही। बस एक चीज़ है कि वहाँ पार्किंग नहीं मिलती है। तो उधर क्या, पहले जैसे मेरी दादी बोलती थी कि पहले के ज़माने में तीन तीन घरों में एक एक गाड़ी होती थी, अब एक एक घरों में तीन तीन गाड़ियाँ हैं। तो वो क्या चक्कर हो गया कि वो पार्किंग के चक्कर में लोगों ने, कि हमारी पार्किंग की जगह बच जाए तो लोगों ने एक एक गाड़ी डाल रखी है, वो भी पतली पतली गली में SUV। तो वो एक हमारे इम्पैक्ट था कि कट हो गया, फिर भी तुम चंपी कराने में लगे हुए थे। मैंने ना जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, जितने लोग बीबी की वॉइस कितने लोग देखते हैं, पहले तो कान पकड़ के माफी मांगता हूँ कि अभी एपिसोड नहीं आ रहे, मुझे पता है आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, DM करते हैं, बट मैंने ढिंडोरा Season 2 लिखना शुरू कर दिया है और अब आपको पता ही है, उसमें कितना VFX इन्वॉल्व होता है, तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दिसंबर आने वाला है ना, दिसंबर में एक एपिसोड आएगा पक्का अभी। तो मैंने, ये लोग जानते होंगे कि मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, मैं एंड में बस एक स्लेट डाल देता हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा सर मैंने कभी किसी को बोला नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर आप बोल देंगे तो कह रहे हाँ बता क्या क्या बोलना है। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बोलना है, तो वो बोलने लगे, मैंने कहा सर ये ना ऐसा लगेगा कि मैंने आपको बोला है बोलने के लिए, तो इसको थोड़ा ऑर्गेनिक अगर बनाए तो हाँ थोड़ा नेचुरल बनाते हैं। तो कह रहे हाँ बता कैसे, तो वो यूँ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सर मैं अगर यहाँ बैठ जाऊँ और आप मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के आप बोल दो कि या ये गोन का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दो, मैं बैठा और उन्होंने चंपी करनी शुरू करी। मैंने कहा अब जिसने जो बोलना है बोल दे, जिसने जो करना है कर दे, मेरा हो गया, शरत था मेरा हो गया। बट हाँ ये ऐसा एक एक्सपीरियंस। तो गाइस बड़ी मुश्किल से हमने आपके लिए सीन्स रिकॉर्ड करे, आपने देखे होंगे कैसे लगे बताए। और हमारे जो सीनियर वगैरह, ये रहे हमारे सीनियर, और नई सीनियर आई हूं, हां यही आई है के बुलाने पे, मैंने सोचा चले ही जाऊं। जब भुवन बाम जी आए तो ये भीड़ में ऐसे खो गई थी जैसे कुंभ के मेले में दो भाई बहन ऐसे खो गई थी, ये हमें तो कहीं दिखी नहीं। हम अकेले मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। क्या बोला तूने? भुवन बाम भूषण
देख रहे हो कौन, नाम भी नहीं पता ही नहीं सही से, और ये उनका शो देखने आए थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? देखो भाई तुम भी देखो, तुमने नहीं देखा है तो ढिंडोरा पिंडोरा, और हमारा भी शो आएगा। गाइस ये देख रहे हो, इन्हें कुछ मिला नहीं तो ये ओपन में यहीं पे खुले में जिम चालू कर दी इनने। ये देखो तो गाइस, जिनकी चेस्ट नहीं बन रही है, जो जिम जा रहे हैं और चेस्ट नहीं बन रही है, चेस्ट के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज ओपन जिम में। आइए बताते हैं आपको। तो पहले सबसे पहले डोलो की बाजू ऊपर कर लेंगे, ठीक है, इसे कंफर्टेबल में। फिर हम इसे धीरे से पकड़ेंगे, धीरे से, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ी से नहीं। और ये जो मशीन है इसमें पैर ऊपर कर लेंगे, उठा लेंगे पैर, और अपने वेट को स्वयं उठाएंगे और प्रेस करेंगे चेस्ट को फुल्ली टाइट, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, कोई बंदा सामने से आएगा मेरे चेस्ट को चेक करेगा आगे एक बार, तो फील कीजिएगा मेरे चेस्ट को और बताइएगा कैमरा पे हाउ दिस फील्स। टाइट है ना, तो यहाँ पे आपको चेस्ट में फाइबर्स मिलते हैं। तो एक्सरसाइज जैसी लगी आपको वैसी लगी, कमेंट में बताइए कैसी लगी, बस मज़ा आया कि नहीं आया सब बताइएगा, ठीक है। आज देख रहे हो यहाँ पे ये सीनियर जो है हमारी जूनियर का फुल इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो दिखाते तुम्हें। एक ने इनका नीचे वाला बैग बांध रखा है, ये देखो, ओए इधर इधर, ये देखो एक ने जैकेट पकड़ रखा है, दो लंजू पंजू है जूनियर। लल्लू पंजू क्यों इतने अच्छे हैं? अच्छे हैं, चलो ठीक है, अच्छे हैं। तू दिखाई अपनी। अरे गाइस तुम्हें पता है कितना मजा आ रहा है आज तुम्हें? बड़े हरामी हो बेटा। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे कितनी भीड़ भड़क की है, आके बटुआ मार लो, पैसा ही पैसा हो गया, जल्दी आओ। तो गाइस सारा मामला खत्म करने के बाद और फोटो वोटो क्लिक करवाने के बाद, बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक करवाई इन सीनियर ने हमसे, बहुत ज्यादा बेलदारी करवाई है अपनी। देखो इनसे अपना बैग खिंचवाया है, इनसे अपने कपड़े खिंचवाए हैं, और हमसे फोटो खिंचवाई है। और अब फोटो वोटो खींचने के बाद हम घर को निकल रहे हैं, और आज का ब्लॉग हम खाने के साथ समाप्त करेंगे, देखते हैं खाने में क्या है, चलते हैं खाते हैं और समाप्त करते हैं। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया, हमने खाने में क्या खाया गेस करो, हमने खाए छोले कुलचे। कैसे लगे छोले कुलचे आप बताइए? एक नंबर था, बढ़िया था भाई, बढ़िया था, बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया थे यार, और एक नंबर भाई, एक नंबर, एक नंबर थे, ठीक है। तो आज छोले कुलचे खाने के बाद हम ब्लॉग को समाप्त करते हैं, तो आप लोग कुछ बोलना चाहें? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद वो हमारा कॉलेज में हो वो नेक्स्ट ब्लॉग, ठीक है।